राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शानदार जीत के बाद दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले मतदाताओं का आभार जताया और उसके बाद विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन मतदाताओं ने विभाजनकारियों को तगड़ा जवाब दे दिया। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में चार जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन चार जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन चार जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। बीजेपी की शानदार जीत के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में जनता का आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति का भी खास तौर पर जिक्र किया। साथियों, मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी, और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने देश की माताओं, बहनों, बेटियों के मन में नया विश्वास जगाया है। प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, उसके पॉइंटर्स हम आपको बता रहे हैं। तो सत्ता के सेमीफाइनल में मिली शानदार जीत के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में सत्ता के फाइनल यानी कि साल 2024 की जीत का भी जिक्र किया। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है, इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही साथ कहा कि आज देश की बहन बेटियों को यह भरोसा हो चुका है कि उनकी सुरक्षा की गारंटी कोई ले सकता है तो वो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। आज हर बहन बेटी को साफ साफ लगता है कि बीजेपी ही नारी गरिमा, नारी सम्मान, नारी सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे, और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।
तो पांच राज्यों में हुए चुनाव में बीजेपी ने अमूमन मोदी के चेहरे को आगे करके ही चुनाव मैदान का रुख किया और जनता ने खास तौर से हिंदी हार्टलैंड की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। यही वजह है कि मध्यप्रदेश और राजस्थान के अलावा छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली। मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते। ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। चार राज्यों में से कम 3 के नतीजों ने ये संदेश साफ तौर पर दे दिया है कि हिंदी हार्टलैंड में मोदी की गारंटी पर जनता को पूरा एतबार है। इसलिए गारंटी पीएम मोदी ने दी और उस पर मुहर जनता ने लगा दी। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में जनता ने 3 राज्यों में कमल खिला दिया, बीजेपी की जीत का परचम लहरा दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत से ये तय हो गया कि पीएम बनने के 10 साल बाद भी मोदी मैजिक जरा भी कम नहीं हुआ है। सभी मतदाताओं को आदर पूर्वक नमन करता हूँ। विपक्षी दलों की एकजुटता पूरे जोश के साथ, इंडिग अलायंस का गठन और इन सबके बीच एक सुर से पीएम मोदी को पानी पी पी कर कोसने का जरा भी असर जनता पर नहीं हुआ। जहां बीजेपी पहले से सत्ता में थी वहां उसने वापसी कर ली और जहां नहीं थी वहां कांग्रेस को जड़ से उखाड़ दिया। जनता का फैसला आते ही बीजेपी में मोदी की तारीफों के पुल बांधे जाने लगे। गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी भाई, अनुसूचित जाति का भाई, इनको कोई सम्मान के साथ मुख्य धारा में ला सकता है तो वो और कोई नहीं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी। सत्ता के सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत का सिग्नल मिलते ही केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पीएम की तारीफ में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। मांडविया ने पीएम मोदी की तारीफ में एक पोस्टर भी पोस्ट किया। जनता से मिले अपार समर्थन के बाद पीएम मोदी भी अभिभूत हैं। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और जनता को भरोसा दिया कि आगे भी वो ऐसे ही जनता की उम्मीदों की कसौटी पर खरे उतरते रहेंगे। जनता जनार्दन को नमन। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है। उनका भरोसा @BJPIndia में है। भाजपा पर अपना स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद बरसाने के लिए मैं इन सभी राज्यों के परिवार जनों का, विशेषकर माताओं, बहनों, बेटियों का, हमारे युवा वोटर्स का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं उन्हें भरोसा देता हूँ कि आपके कल्याण के लिए हम निरंतर अथक परिश्रम करते रहेंगे। चौबीस में लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद आज मिजोरम को छोड़कर 4 राज्यों के नतीजे सामने आए। राजस्थान में हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन का रिवाज बरकरार रहा। गहलोत की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाएं, पायलट को साथ लेकर चलने की रणनीति, आखिरी वक्त की तमाम कोशिशें मोदी की गारंटी के आगे धराशायी हो गई। लाल किताब के पन्नों में गहलोत की हार दर्ज हो गई, इसलिए अब पार्टी के अंदर भी मोदी की जय जयकार शुरू हो गई। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। मोदी जी की गारंटी है। मध्य प्रदेश में तो मामा ने चमत्कार कर दिया। बीच में 1.5 साल के कमलनाथ के शासनकाल को हटा दे तो लगातार 4 टर्म से शिवराज सीएम बने हुए हैं। हालांकि इस विधानसभा चुनाव में उनके लिए लौटना मुश्किल लग रहा था, लेकिन शिवराज के लाडली बहना योजना का जादू चल गया। शिवराज ने इमोशनल कार्ड भी चला, जनता के बीच जाकर ये भी बताया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इन सब के बावजूद बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को सीएम का चेहरा नहीं बनाया। ब्रांड मोदी पर पार्टी ने दांव खेला और दांव सही चल गया। जनता ने रिजेक्ट किया है भ्रष्टाचार को, अहंकार को, झूठे वादों को, जो जन घोषणा पत्र में इन्होंने किया था। जनता ने उस छल को रिजेक्ट किया है, शराब घोटाले को रिजेक्ट किया है, कोयला घोटाले को रिजेक्ट किया है, महादेव ऐप में मुख्यमंत्री की भागीदारी को जनता ने रिजेक्ट किया है। मध्य प्रदेश में तो बेशक शिवराज थोड़ा बहुत मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में पार्टी का कोई दमदार लोकल चेहरा तक नहीं था। मोदी के चेहरे के दम पर बीजेपी ने जनता के सामने गारंटी का पिटारा खोला, जिसका असर ये हुआ कि पोल पंडितों के सारे गुणा गणित फेल हो गए और यहाँ भी बीजेपी ने शानदार जीत हासिल कर ली। इसलिए छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता भी मोदी का जयकारा लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है, ये उनके नेतृत्व की विजय है। कहने की जरूरत नहीं है कि न विपक्षी एकता काम आई, न इंडी अलायंस का असर हुआ, न ही प्याज टमाटर की महंगाई चल पाई और न ही तेल पेट्रोल सिलेंडर का दांव चला। सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी ने कायदे से बाजी मार ली। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो वहां शिवराज सिंह चौहान का जादू चल गया। लाडली बहनों ने मामा पर खूब प्यार लुटाया। शिवराज ने हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर इमोशनल कार्ड भी खेला और जो लोग ये सोच रहे थे कि शिव तो गए, उनके सामने सियासी चमत्कार करके दिखाया। देखिए शिवराज के मैजिक पर हमारी ये रिपोर्ट। लाडली बहनों का प्यार, हिंदुत्व की हुंकार, मध्य प्रदेश में ब्रांड शिवराज का सियासी चमत्कार। मध्य प्रदेश में 18 साल तक मुख्यमंत्री रहने वाले शिवराज वोटर्स के सामने अब खुद ब्रांड बन गए हैं। शिवराज हिंदुत्व के रथ पर सवार हैं और फिलहाल वेग से इस रथ का हांकते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि आज भी मध्य प्रदेश में शिव के नाम का जयकारा लग रहा है। मामा शिवराज सिंह चौहान ने उनकी विदाई का मरसिया पढ़ रहे लोगों को करारा जवाब दिया है और बंपर बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में वापसी की है। एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह ध्वस्त करके शिव ने राज ले लिया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के चुनावी समर में जिस शिवराज को लोग गया गया मान रहे थे, उन्होंने झन्नाटेदार कमबैक करके खुद को ब्रांड साबित कर दिया है। सवाल ये उठता है कि आखिर 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान ने एंटी इनकम्बेंसी नाम की बला को कैसे धक्का दिया और मैदान अपने नाम कर लिया। चुनावी पंडित मानते हैं कि लाडली बहनों ने शिवराज पर प्यार लौटाया,
वो घर घर पहुंच चुकी स्कीम लाडली बहना को जीत का प्राइम फैक्टर मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की थी उसे शिवराज सिंह चौहान ने जमीनी स्तर पर पहुंचाया और अपनी भी कल्याणकारी योजना जो राज्य सरकार की शिवराज सिंह चौहान की थी वो भी जमीनी स्तर पर जनता के बीच पहुंची। उसने शिवराज सिंह सरकार के वापसी का राह प्रशस्त किया। इसके अलावा लाडली बहना योजना और किसान सम्मान निधि ऐसी योजना है जिस योजनाओं ने शिवराज की वापसी को तय किया। मध्य प्रदेश की 7 करोड़ आबादी में लाडली बहना योजना का फायदा लेने वाली महिलाओं ने शिवराज को भर भर कर वोट दिया है। इन महिलाओं लड़कियों के लिए शिवराज का नाम एक भरोसा बना। मध्य प्रदेश की बेटियों ने शिवराज की इस स्कीम को भविष्य की गारंटी समझा और वोट दिया। कुल मिलाकर मामा का इमोशनल कार्ड चल गया। बहनों ने मामा के लिए दनादन बटन दबाया। हर महीना 1,000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। जीवन में आया है नया समय। दूसरी सबसे बड़ी बात ये रही कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शिवराज को बतौर मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं उतारा बल्कि उनको खुद को साबित करने की चुनौती दी गई। वो नेता जो शिवराज को चुनौती दे सकते थे उन्हें पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया और शिवराज को साफ साफ अपनी योग्यता और प्रभाव साबित करने को कहा। शिवराज ने ये कर भी दिखाया। हिंदुत्व का सिक्का चला तो बुलडोजर फैक्टर ने भी उन्हें भरोसेमंद बनाया। वैसे इस जीत में मोदी मैजिक भी कम नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो और गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का चुनावी मैनेजमेंट भी सफलता की गारंटी सिद्ध हुआ। तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया और मोदी मैजिक के साथ साथ मामा का मैजिक भी काम किया। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कई सारे बड़े उलटफेर हुए हैं, उन्हें चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में क्या बड़े उलटफेर हुए हैं जिनकी उम्मीद शायद हमने, भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं की होगी। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत तो बड़ी हुई है लेकिन कई ऐसे बड़े नेता हैं जो धराशायी हो गए हैं। मध्य प्रदेश में एक तरफ बीजेपी ने 2/3 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं, वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जिन्हें बड़ा चेहरा माना जाता है दतिया से करीब 6,000 वोटों से वो पीछे रहे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी ये बड़े वो नेता हैं जिनको लेकर कहा जाता था कि इनकी हार होना इतना आसान नहीं होगा, जिन पर बड़ी दावेदारी भारतीय जनता पार्टी ने चली। 9,723 वोटों से चुनाव हार गए। सतना के सांसद और बीजेपी नेता गणेश सिंह को भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था, वो भी अपनी सीट बचा नहीं सके। ग्वालियर ग्रामीण से अगर बात करें तो मंत्री भरत सिंह कुशवाहा भी यहां से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने भी अपना हाथ आजमाया था लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी ने 4 सीटें अपने नाम की। राजस्थान के उपनेता विपक्ष सतीश पूनिया भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। राजस्थान में भी सूरत हाल कुछ इसी तरीके से रहा, 9,000 से ज्यादा वोटों से वो हार गए। यही नहीं, राजस्थान के 25 मंत्रियों में से 17 मंत्री भी बीजेपी की लहर में अपनी सीट को नहीं बचा पाए। राजस्थान के दादारामगढ़ से पति पत्नी मैदान में उतरे थे लेकिन कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे पति वीरेंद्र सिंह ने जीत वहां पर दर्ज कर ली और पत्नी तीसरे नंबर पर रही और हार गई। अब बात छत्तीसगढ़ की भी जल्दी से कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी इस उलटफेर में अपनी विधानसभा सीट गवा दी, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज भी करीब करीब 8,000 मतों से सीट हार गए। तो ये बड़े उलटफेर इस बार के चुनाव में देखने को हमें मिले।